कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है राजेंद्र मार्केट में, ऑब्लाइज शॉप के सामने। लाइव इंडियन गार्ड अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रहा है कि धनबाद की पुरानी समस्याओं का निपटारा हो सके, निगम कैसा कार्य कर रही है वो दिखा सके, और अगर कोई खामियां रह गई है तो उसे सुधारा जा सके। ये कुआं लगभग 100 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है, ब्रिटिश काल का ये कुआं है, और कुएं पर छापा लगातार हम डाल रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, उनके पास मैंने दो पानी के डब्बे को देखा है जो कांधे में ढोकर यहाँ आसपास के इलाकों तक पहुँचाते हैं। आज जानूंगी इस कुआं से उनकी क्या शिकायतें हैं, या यूँ कहूँ प्रशासन से उनकी क्या शिकायतें हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राम प्रसाद रवानी। ये कुआं कितना पुराना है? ये हम लोग करीब 30-35 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं। कर रही हूँ। हाँ। पानी कैसा है यहाँ का? पानी बहुत बढ़िया है, हर जगह सप्लाई हो रहा है पीने के लिए। और इस कुआं में समस्या क्या है? समस्या यही है कि थोड़ा ढक्कन उक्कन लग जाना, रिपेयरिंग होने से बढ़िया है। तो अभी जैसे जिन जिन लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं वो गंदा ही पानी पीते हैं? हाँ, यात्रा कचरा ऊपर से जो है सो पड़ जाता है, बगल में पेड़ है पत्ता उत्ता गिर जाता है। तो आपके कमाई का साधन क्या है? हम लोग का कमाई का साधन कुछ नहीं है, यही पानी ढो ढो के मतलब पीने का विसर्जन कर करके और हम लोग कमा रहे हैं, मेहनत करके, जैसे जार में ले जाके डंटा लगा के पूज करके पूरा रस्सी टीना लगा के घींच करके मेहनत करके कमा रहे हैं। कैसे कैसे? एक डब्बे का क्या कीमत है? एक डब्बे का मान के अब चलिए कि 5 रुपया कीमत दे रहा है। बस 5 रुपये? 5 रुपया बोलते हैं तो बोलता है कि और ज़्यादा लेना है तो बंद कर दो। तो आप दिन भर में कितने खेप को कर लेते हैं? जैसा जितना ऑर्डर रह गया, 10 खेप का 20 खेप का, बस बस। और आस पास में यहाँ देख रही हूँ मैं कि दुकान लगाया गया है। वो दुकान लगाया गया है, उससे भी थोड़ा कचरा होता है, दिक्कत होता है। तो प्रशासन कुछ नहीं करता है? प्रशासन कुछ नहीं बोलता है, हवा बहता है तो कचरा गिर जाता है। तो आपको क्या लगता है, दुकान लगाना चाहिए कुआं के आसपास? बगल में लगा सकता है, जैसे कि कुआं पर लगा देता है तो दिक्कत होता है ना, मान लो कचरा झाड़ा तो उसी में गिरा ना। और नगर निगम कैसा सफाई करता है, कब कब सफाई हुआ अंतिम बार? नगर निगम कभी ध्यान नहीं देता इसमें, नहीं पाउडर डालता है, नहीं कुछ करता है, कुछ नहीं डालते हैं, कुछ नहीं। और इसी को लोग पी रहे हैं? पी रहा है इसी को, हम लोग कभी काल डाल देते हैं अपना पैसा लगा के। अपना पैसा से डालते हैं? अपना पैसा से लगा के। तो आज नगर निगम को कुछ कहना चाहेंगे? नगर निगम का हम लोग जब प्रशासन ऊपर से ऑर्डर नहीं देगा तो हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग नगर निगम में पहले जो पानी हल्का फुल्का भरता था, नल चलता था, वो अभी बंद कर दिया। तो किसी आदमी को क्या करना चाहिए, कुएं को कैसे बचाया जाएगा? नगर निगम से ही बचाया जाएगा, नगर निगम में ही बचाएगा ना, वही लोग ध्यान देगा ना। तो पहले क्या कोई आदमी आगे आकर के इसकी साफ सफाई का जिम्मेदारी लिया? पहले कोई नहीं लिया, पहले तो मतलब जैसे अकड़ा कचरा होता था तो हम लोग साफ करते। यहाँ से लगभग आप लोग कितने लोग हैं जो पानी ढो ढो कर साफ? अभी हम लोग 6 जन है। 6 जन? देखिए, एक जन ये हो गया जी, एक जन वो हो गया, 2 जन जी, एक जन चला गया, 3 जन, एक जन हम लोग, एक जन बाद में। पानी क्या बहुत गहराई पे नीचे मिलता है? बहुत नीचे है। तो अब अगली बार सफाई का कुछ कहा गया है, कब होगा? अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बोला है। एक बार बोला था कि जाली लगेगा, उसके बाद नहीं लगा, पूरा लकड़ी जो पहले पुराना का है वो सड़ गया। तो जैसा आप सुन रहे हैं इसका फोटो ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि निगम की ये नाकामयाबी है, और ये सोचना अहम हो जाएगा कि किस तरह से लोग बिना ढके हुए पानी को पी रहे हैं और फिर बीमारियां। शायद निगम इस कारण भी लापरवाह है क्योंकि शहर में कई बड़े हॉस्पिटल हैं, तो उन्हें लगता है कि सब अपना इलाज करवा लेंगे। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। मेरे ऑडियंस बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कोई इंडिविजुअल कुआं को सुरक्षित कैसे रख सकता है। फिलहाल धनबाद की प्रशासन मौन है, मैं आसपास के लोगों की भी राय सुनूंगी, वो क्या कहना चाहते हैं इस मामले में। भाग दौड़ की जिंदगी में सबको अपनी फिक्र है, लेकिन कुएं की फिक्र किसी को नहीं है।
6-7 लोग यहाँ से पानी भरते हैं और शहर में या दुकानदारों को जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। यही वो दो कंधे हैं जिन पर इसके बोझ को उठाया जाता है। निगम को हम सचेत करना चाहेंगे इस तरह से शहर के बीचों बीच, क्योंकि ये काफ़ी रियायती इलाका है, अमीरों का इलाका है, यहाँ पर कुआं है जिसका पानी लोग उपयोग कर रहे हैं मगर वो ढका हुआ नहीं है। मेरे साथ जो शख्स यहाँ पानी पहुँचाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी उनकी क्या शिकायतें हैं प्रशासन से, निगम से। आपका क्या नाम है? तेजो मंडल। आप कहाँ से आते हैं? कहाँ घर है आपका? घर है नारायणपुर। नारायणपुर से आते हैं, डेली पानी ढोते हैं? हाँ। यहाँ पे क्या आपको शिकायत लगता है, क्या कमी है इस कुएं में? ये जाली लगाना था। जाली लगाना है? हाँ। और अभी जो आप पानी लोगों तक पहुँचाते हैं वो बिना ढका हुआ पानी है? हाँ, वो ढक देगा, जाली लगाएगा ना भैया कम्प्लीट। ओ, तो मतलब जाली लगाना बस यही कमी है? हाँ। और ये जो आसपास में दुकान लगाया गया है उस पर क्या सोचते हैं आप? बोलो ठेके है वो सही है? हाँ। तो क्या कुआं को दुकान से ढक देना चाहिए? नहीं, जैसे कि लकड़ी है ना जी, जाली लगा देगा ना जी, आइए हल्का सा मरामत हो जाएगा जी, बस हो जाएगा, कुआं हम लोग साफ करते हैं। जो आप पानी ढोते हैं इसकी क्या कीमत है? 10 रुपया रहता है। एक डब्बा का 10 रुपये? 10 रुपये नहीं, दो डब्बा के 10 रुपया, 15 रुपया यहाँ जैसा है। ऐसे में घर चल जाता है? क्या कीजिएगा, कोरकम चलाना ही पड़ता है। ऐसे ही चला रहे घर? हाँ। लगभग कितने सालों से आप यहाँ पे पानी ढो रहे हैं? मोटामोटी 27 साल हो गया। ये नगर निगम क्या इसमें पाउडर वगैरह डालता है? हाँ, डालते हैं। डालता है? डालते हैं, हम लोग डालते हैं। आप लोग डालते हैं? हाँ, डालते हैं, मांगते हैं डालते हैं। मांगते हैं तब डालते हैं। तो ये अंतिम बार इसकी सफाई कब हुई थी? हुआ था मैंने मोटामोटी 3-4 साल हुआ साफ कर रहा हूँ। 3-4 साल? तो शिकायत यही है कि जाली लगवाना? हाँ, खाली जाली लगवाना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। और ये आसपास के दुकानदार जो है कभी कोशिश किए कि इसे समय पे साफ करवाया जाए या जाली लगवाने की बात नगर निगम तक पहुँचाई जाए? हाँ, करता है, करता है। तो आप देख सकते हैं ये राजेंद्र मार्केट के बीचों बीच का नजारा है। लाइव इंडियन गार्ड की कोशिश को लोग सराह रहे हैं। मेरे आसपास जो आपको भीड़ दिख रही है वो सभी मुझे लगता है एक चिंतित भीड़ है। कई लोग आज कैमरे को देखकर अपने चेहरे को छिपाएंगे तो कई लोग सामना करने को तैयार हैं। ये कोयलांचल की तस्वीरें हैं। आसपास कुएं के दुकान को भी लगाया गया है। खैर, ये उनके आजीविका का साधन है, उन्हें कहीं जगह मिलेगी तो वो दुकान को अपने हटा सकते हैं। लेकिन निगम की नाकामी या नाकामयाबी हम देख सकते हैं। जिस पानी को लोग पीते हैं वो ढका हुआ नहीं है। अंधर तूफान के मौसम में सारी गंदगी इस कुएं में जाती है। मुझे लगता है कि लाइव इंडियन गार्ड के कवरेज के बाद निगम जरूर चेत जाएगा और वो एक कोशिश तो करेगा, क्योंकि आसपास के निवासी खराब पानी पी रहे हैं। कुएं पर तफ्तीश जारी है। मुझे आज एक गीत याद आ गया, पानी पानी रे। कोयलांचल में त्राहिमाम की तस्वीरें हैं। निगम पहले तो खुले साड़ पर चुप था और अब जब लाइव इंडियन गार्ड कवरेज ला रहा है शहर के बीचों बीच जो कुएं हैं, जो ब्रिटिश काल के दौरान के हैं, उनका कैसे उपयोग किया जाए। कुआं खुला है, उसे ढका नहीं गया है, लेकिन आसपास के बड़े छोटे दुकानदार और शहर के कई घरों में लोग इसके पानी का सेवन कर रहे हैं। कुएं के बगल में एक शख्स मौजूद है, वो अपना एक दुकान लगाए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कुएं की अहमियत क्या है। शायद निगम के नज़र में इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन लोग क्या कहना चाह रहे हैं लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? नरेश। यहाँ पे आप कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। आपको क्या लगता है कि कुएं में क्या कमी है? कमी वही है कि टूट फूट गया है, बनना चाहिए। बनना चाहिए। इसकी सफाई अंतिम बार कब हुई थी? अब यो तो 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। इन लोग पानी जो भरता है ना, ये लोग साफ करता है। इन्हीं लोग करता है? हाँ। तो क्या उतने में अच्छे से साफ हो पाता है इन लोग जो पाउडर डालते हैं? इन लोग से कितना साफ होगा, थोड़ा बहुत पाउडर डालता है अपना पानी सफा हो जाता है। आपको क्या लगता है निगम ये सब चीजों पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? ये तो आप लोग ना जानिएगा, हम लोग कहाँ जाने गए, हम लोग तो गरीब आदमी कमा खा रहे हैं। आसपास के दुकानदार जब कोई इधर से अफसर लोग जाते हैं तो कुछ कहते नहीं है साफ सफाई या कुछ कहते हैं? हम लोग तो पूछेगा तो ना बोलेगा, नहीं तो अपना बैठ के कमा रहे हैं। तो क्या ये चिंता का विषय है कि लोग खुला कुएं के पानी को पी रहे हैं? चिंता का विषय है? चिंता तो है। चिंता है। मान लीजिए गंदगी गिरता है, पानी तो लोग पी रहा है जी।
दूरी का। क्या लगता है कुएं को बचाना क्यों जरूरी है? बचाना जरूरी है, इससे पानी पूरा चौराहा पानी पी रहा है, पूरा यही है वो साधन है पानी पीने का। और कोई साधन? नल बंद हो जाता है, 8-8 दिन नहीं चलता, तो यही सब पानी पिया जाता है। आप सुन रहे हैं, मुझे मालूम है आज लोग नाराजगी दिखाएंगे हम पर क्योंकि निगम लापरवाह है, या यूं कहें निगम बेबस हो चुका है। अन्य लोग भी हैं मेरे साथ, मैं जानूंगी उनसे कुएं का महत्व है। हो सकता है शहर में जब लोग बस गए तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन आज भी शादी और कई बड़े कार्यक्रम में कुएं को पूजा जाता है। और हम लोग जब देवता की बात करते हैं तो जल, अग्नि, वायु, लेकिन आज जल संकट की स्थिति कोयलांचल में है। पहले तो 10-15 सालों से सफाई नहीं, उसके बाद जिन्हें ज़रूरत है वो अपने हिसाब से अपने खर्चों पर इसमें पाउडर डालते हैं, लेकिन जो मेरे पास में जो शख्स बैठे हैं उन्होंने जैसा कहा कि कोई इंडिविजुअल अकेले कैसे इतनी साफ़ सफाई कर सकता है। निगम सो रहा है, लगातार लाइव इंडियन गार्ड की कोशिश है प्रशासन से इसकी साफ सफाई करवाई जाए। और अपने कवरेज के जरिए हम ये भी बता रहे हैं कि इसे हम विरासत कहेंगे, ब्रिटिश राज का ये कुआं है, इसे बचाना चाहिए। और जब इसके पानी का लोग सेवन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। खुले कुएं के पानी का प्रयोग लगातार हो रहा है, लेकिन शायद निगम इस कारण भी लापरवाही दिखा रही है क्योंकि आसपास बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उन्हें लग रहा है कि धनबाद की जनता आराम से अपना इलाज करवा सकती है। मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है, आज लाइव इंडियन गार्ड हर आसपास के लोगों से उनका राय जानना चाह रहा है, उनको सुनना चाह रहा है कुएं में आखिर क्या कमी है। सर आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार अग्रवाल। सर आप डेली यहाँ से आते जाते हैं? डेली में यहाँ रहता हूँ। सर कुएं में क्या कमी रह गई है? कुआं में कमी है। ना इसका सफाई होता ना कुछ होता है, तो पानी खींच रहा है लोग, मजबूरी है, जाए तो जाए कहाँ। अंतिम बार इसकी कब सफाई होगी कोई आईडिया? याद भी नहीं है मैडम, बहुत पुरानी बात। पानी जो भरते हैं लोग बता सकते हैं जी। मैं तो पानी भी नहीं भरता यहाँ से। आदमी इस पर सफाई करवानी चाहिए, इनको कुआं को ढक देना चाहिए ताकि पानी स्वच्छ पानी लोग निकाल सके। कब सफाई होता मालूम है आपको? हम लोग कभी नहीं देखे। हम तो ये ज्यादा बता दिया कि 10 साल पहले सफाई, 10 साल हो गए सफाई में। देखिए वो ठीक बोल रहे हैं, लोग डेली पानी भर के बेचता है लोग वो। देखिए कुआ का सफाई हुए 10 साल हो गया, जो कि बहुत दिन हो गया है। आप लोग पी रहा कीड़ा का पानी, ये सफाई होना बहुत जरूरी है और मैडम कोशिश कर रही है। ठीक है, हादसों की जद में मेरा शहर, निगम की लापरवाही एक बार फिर से। राजेंद्र मार्केट के बीच में एक कुआं है, ब्रिटिश काल का यह कुआं वैसे तो कह सकते हैं कोयलांचल की धरोहर है, जिसे बचाए रखना है। आज भी लोग अपने बच्चों को बताते हैं ये कुआं कितना पुराना है, लेकिन आज लोगों से लाइव इंडियन गार्ड पूछ रहा है आखिर कुएं की गलती क्या है, क्योंकि निगम अपनी गलती मानेगा नहीं। मेरे पास एक शख्स मौजूद हैं जो पास में ही पूजा सामग्री बेचते हैं, मैं उनसे जानूंगी कुएं को आखिर बचाया कैसे जाए और क्या निगम इस मामले में लापरवाही बरत रहा है। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम संजय गोस्वामी है। सर कितने वर्षों से यहाँ पर आप दुकान लगा रहे हैं? यहाँ हम करीब 40 वर्ष से लगा रहे दुकान। निगम अंतिम बार इस कुएं को कब साफ किया? कुआं ये हमेशा नहीं कि महीना दो महीना में सफाई होता ही रहता है। हाँ, बस कुआं में यही कमजोरी है कि इसका सारा लकड़ी सड़ा हुआ है जी। हाँ, इसमें यानी कि जानवर मल के द्वारा आने की दिक्कत है जी। दिक्कत क्या है कि मान दे कोई भी जानवर जैसे गिर जाए, ऐसे गिर जाए, वो तो अगल बगल में दुकान लगता है, उससे सचेत बचाव रहता है, लेकिन दुकान बंद होने के कारण ये कुआं वीरान हो जाता है। तो जैसे आप लोग जब रात में चले जाते हैं हाँ, तब क्या कोई जानवर गिरा है या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग को भय बना हुआ रहता है। भय रहता है? हाँ भय रहता है। इसमें सारा इसमें लकड़ी सब सड़ा हुआ है, इस पर रहने का ध्यान नहीं है, अति नहीं है। हम लोग अपना मतलब से बना भी नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि सरकारी कुआं है जी। ऐसे एक बात बताइए, कुएं का क्या महत्व है आपकी नज़र में? कुएं का महत्व ये कि इतना इसका अच्छा पानी, इतना मीठा पानी है
कि बैंक मोड़ रही है चारों तरफ, इसका सप्लाई इसका पानी का है और सब इसका पीता है, हर चीज इसका काम में आता है। तो निगम इस मामले में लापरवाही बरत रहा है? हाँ, इस बार तो बहुत सारे यानी कि अगल बगल में एक दो बार भी यानी कि सचेत किया गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, इसी तरह चल रहा है। मुझे एक बात कहनी है, समस्याएं बनाई नहीं जाती, समस्याएं होती है। हो सकता है किसी को ये मुद्दा ना लगे, लेकिन ये लोगों के साथ धोखा है। लोग अपने आजीविका के लिए डब्बे में पानी भर के घरों तक पहुंचा रहे हैं, दुकानों तक सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो खुले कुएं का पानी जो लोग पी रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें धीमी जहर मिल रही है। प्रशासन आखिर कब चेतेगा? लाइव इंडियन गार्ड की कोशिश है धनबाद की जो विकट समस्याएं हैं, जिस पर किसी अन्य मीडिया हाउस की नज़र नहीं है, हम उन मुद्दों तक, उन समस्याओं तक पहुंचे। खैर, निगम नाकामी दिखा रहा है। निगम के हाथों ये हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे टाला जा रहा है। लाइव इंडियन गार्ड की खबरों का असर जल्द ही होगा और इस कुएं की भी सफाई होगी। आप सभी लोगों का साथ चाहिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जानें धीमी मौत की कहानी और निगम की लापरवाही।